हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। थैंक यू फॉर योर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक पीपल हु डोनेटेड टू माय चैनल। लेट मी शो यू सम स्क्रीनशॉट। अमेया सालस्कर डोनेटेड 300 रुपीज़ टू अस। उमेश 25 रुपीज़। ऋषि पाठक 50 रुपीज़। थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। आप भी हमें डोनेट कर सकते हैं, जो भी UPI ID आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसके थ्रू। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये एक करना चाहूँगा कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल खोल रखा है, जिसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ दिन भर में, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो आप भी उसके साथ साथ ट्रेड कर सकते हो। सो, आज की जो वीडियो है वो ऑप्शन चेंज के बारे में है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है उनके लिए। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं बड़े बड़े, वो ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं मार्केट में। बट ये ऑप्शन चेंज का जो डाटा होता है, इसको हम इंटरप्रिटेट कैसे करें कि कौन सा डाटा क्या शो कर रहा है? या फिर अगर मान लीजिए 9400 का स्ट्राइक है, उस पर जो ये कॉल साइड की जो ये डाटा दी हुई है, इसको कम हम इंटरप्रिटेट कैसे करें, और कि ये बुलिश है कि बेरिश है? या फिर अगर मान लीजिए 9550 पे ये जो डाटा दिखा रहा है 135 OI, चेंज इन OI 133, ये बुलिश है या बेरिश है, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने एक ऑप्शन चेन टेबल बना रखी है एक्सेल पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, जो हमें डायरेक्ट बताएगा कि जो भी ये स्ट्राइक प्राइस पे जो डाटा शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, या फिर हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन सेल करना चाहिए कौन सा, ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो मैं वो आपको एक्सेल शीट दिखाना चाहता हूँ। ये वो एक्सेल शीट है, ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, ऊपर करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा। आप CMP देख सकते हो, करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का 9476 दिखा रहा है। और ये लाइव डाटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो ये वेबसाइट है, इससे ये लाइव डाटा पुल करता है ये एक्सेल शीट, और आपको वो पूरा डाटा इंटरप्रिटेट करके बताता है कि बुलिश है या बेरिश है। तो पहले मैं कॉल साइड का डाटा पे थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉल साइट का डाटा है। अभी करंट मार्केट प्राइस 9476 है, तो अराउंड यहाँ से आप देख सकते हो। और उसके ऊपर का भी डाटा दिखा रहा है कि 8500 के कॉल्स पे क्या हो रहा है, या फिर 8800 के कॉल्स पे क्या हो रहा है। मान लीजिए कि जो 9500 का स्ट्राइक प्राइस है, अगर इसके प्राइस इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट जो 9500 पे वो भी इंक्रीज होगा, तो हमें बुलिश डाटा बताएगा। तो यहाँ पे बुलिश क्या था, ये OI चेंज यहाँ पे देख सकते हो अप था, प्राइस चेंज भी अप था, इसलिए हमारा लॉन्ग बिल्डअप बता रहा था कि इस स्ट्राइक प्राइस पे हमें लोग लॉन्ग बुलिश हैं, जो अराउंड 9650 का कॉल ऑप्शन है। तो इसको देखते हैं, 9650, तो 9650 का कॉल ऑप्शन निफ्टी। और ये देखिए क्या मूव दिया है इसने, 30 रुपये से डायरेक्ट 60 रुपये पे गया, तो 30 पॉइंट का मूव। एक लॉट जो निफ्टी का होता है वो 75 का होता है, तो 75 × 30 2250 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट है। और अगर आप इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहोगे, तो सेम मार्जिन रिक्वायरमेंट 2250 आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। तो ऑप्शन में यही है कि आपका जो मार्जिन है वो बहुत कम लगता है, बट आपको एक सही क्लियर डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हाँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता होगी, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहेंगे। जैसे रेंज बाउंड मार्केट होता है, तो रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है कि जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो डिके होता है, तो इस सिनेरियो में लोग ऑप्शन सेल करना चाहते हैं। आप यहाँ पे सेम वे देख सकते हैं कि
जो मैं स्ट्राइक प्राइस पुट साइड का दिखाऊंगा, सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 9200 पे ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, यहाँ पे लिखा है बेरिश, मतलब जो डाटा इंटरप्रिटेट कर रही है एक्सेल शीट, मतलब कि यहाँ पे लोग बेरिश हैं 9200 के पुट ऑप्शन पे, तो मतलब कि ये जो पुट ऑप्शन है इसका प्राइस डिके हो रहा होगा, तो ये लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे 9200 का जो स्ट्राइक प्राइस का पुट है उसको सेल कर रहे होंगे। सेम वे 9400 का जो पुट है उस पर भी अभी प्राइस अप दिखा रहा है, OI चेंज भी अप दिखा रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब कि लोग पैक कर रहे हैं कि जो मार्केट है वो 9400 की तरफ आएगा वापस, और ये जो पुट ऑप्शन है वो इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे डाटा बुलिश और बेरिश दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन डाटा है, और यहाँ पे मेन है, तो यहाँ मेन पे आप बैंक निफ्टी का भी देख सकते हो, जब से ही आप बैंक निफ्टी का क्लिक करोगे वो अपने आप रिफ्रेश होगा और आपको डाटा दिखाएगा। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज डाटा आ गया। चार सिनेरियो होंगे, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप या फिर शॉर्ट बिल्डअप। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पुट साइड पे हम देखेंगे, पुट साइड पे सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बना है वो हमारा 18,000 के पुट स्ट्राइक प्राइस पे बना है, और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप बता रहे हैं, तो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं। पुट बैंक निफ्टी 4 जून जो हम नियर एक्सपायरी है उसमें, तो यहाँ पे देखिए बुलिश है और ये प्राइस भी ऊपर जा चुका है, और डाटा भी हमें बता रहा है कि ये बुलिश है, तो उसके अकॉर्डिंग ये तुरंत तुरंत बताता रहेगा। दूसरी बात, आप यहाँ ऊपर डाटा पे जाएंगे, ये रिफ्रेश अगर करेंगे तो ये तुरंत तुरंत रिफ्रेश करेगा। अगर आपको ऐसा एरर आए, द फील्ड फिल्टर ऑफ द रिकॉर्ड वॉजंट फाउंड, तो आप यहाँ पे जाके नेशनल ऑप्शन चेंज पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज खोल सकते हैं, और फिर उस एक्सेल शीट को एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाटा पे जाके जब रिफ्रेश करेंगे तो ये अपने आप डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको रिफ्रेश पे लगाना है तो डाटा पे जाइए, सेटिंग, कनेक्शन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे रिफ्रेश एवरी 25 मिनट्स मैंने लगा रखा है, मतलब अराउंड हाफ एन आवर पे ये अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको 1 मिनट भी लगा सकते हैं, 1 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम नहीं लगा सकते, बट 1 मिनट लगा सकते हैं, बट मैं इसको हाफ एन आवर पे रखता हूँ, हर हाफ एन आवर पे आप ये डाटा देख सकते हो। सेकेंडली, यहाँ पे सिर्फ आप इंडाइसिस का नहीं, हर एक स्टॉक का भी देख सकते हो, ये पूरे जितने स्टॉक लिस्टेड है FNO निफ्टी FNO में, वो सारे स्टॉक्स का यहाँ पे आपको आ जाएगा। मान लिए ऑरो फार्मा का आपको देखना है, तो ये ऑरो फार्मा का ऑप्शन चेंज डाटा आ गया, और यहाँ पे दिखा रहा है कि जो कॉल साइड है वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो हम अगर ऑरो फार्मा देखें, आज हम ऑरो फार्मा का चार्ट देखें तो बुलिश है हमारे ऑप्शन चेंज डाटा के अकॉर्डिंग, और ऑरो फार्मा आज क्या हुआ है ऑरो फार्मा में सुबह से वो देखते हैं। ये देखिए 715 से 740 का तक का हमें ये मूव दिया है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन चेंज डाटा था वो बुलिश था, जो इंस्टीट्यूशन थे, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे, वो ऑरो फार्मा में ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर रहे थे, और उसके डाटा को इंटरप्रिटेट करके हम ऑरो का जो ये मूव था वो कैप्चर कर सकते थे। ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग, और जो आपको डाटा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो ट्रेंड है हमारा बुलिश है, हर जो पुट साइड का जो जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो बुलिश है, मतलब कि बैंक निफ्टी का ये संकेत दिख रहा है कि शायद ये गिरावट का संकेत दे रहा है, और यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है वो शॉर्ट बिल्डअप है, मतलब कि जो कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो डिके हो रहे हैं, तो लोग सेल ज़्यादा कर रहे हैं कॉल ऑप्शन और बाय कर रहे हैं पुट ऑप्शन। इसमें IV का भी बहुत रोल होता है, जो ये IV दिखा है आपको, ये वाला कॉलम IV,
जिस साइड आईवी ज़्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पे आप कॉल आईवी देख सकते हो, पुट आईवी, तो पुट आईवी ज़्यादा है कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ जो कॉल ऑप्शन है वो उसकी जो पुट आईवी है वो अराउंड 40 से 45 के बीच में है, जो पुट साइड की आईवी है वो 69 के बीच में है। तो जो पुट साइड की जो आईवी है, आईवी मींस इंप्लाइड वोलेटिलिटी, तो जिस साइड की आईवी ज़्यादा होती है उस साइड मूव ज़्यादा अच्छे से आता है। अगर प्राइस ज़्यादा थोड़ा सा गिरता है तो जो ऑप्शन है, जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन है, जैसे पुट साइड की आईवी ज़्यादा है तो पुट साइड की आईवी में भी मोमेंटम प्राइस ज़्यादा होगा। सो ये थी आज की वीडियो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑप्शन चेन से रिलेटेड ये जो ऑप्शन चेन एक्सेल शीट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा और मैसेज में पिन कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं डेली कॉल्स भी पोस्ट करता हूं, तो आपको दोनों बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, आपको पता नहीं कि अभी एग्जिट करना है कि उसे होल्ड करना है, या आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सोच रहे हो, या अपनी SIP शुरू करने का सोच रहे हो, या आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है और आपको अभी पता नहीं कि अभी आपको एग्जिट करना चाहिए कि इसको होल्ड करना चाहिए, तो ऐसे कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप हमें जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट टैब है उस पर मैं एक पोस्ट डाल दूंगा Q&A सेशन, जो मैं अभी जल्द नेक्स्ट वीडियो में Q&A सेशन करने वाला हूँ, तो वो आप अपने क्वेश्चन उस कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज़ से भी रिलेटेड स्टॉक मार्केट में, फिर से दोहरा रहा हूँ, आप उनको वहाँ पे डाल सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमें डोनेट भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आया तो आप हमें डोनेट कर सकते हो, आपके स्क्रीन पे UPI ID आ रही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड ट्रेड वेल।